हेलो दोस्तों, रूपा फैशन हब में आपका स्वागत है। आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में जानने जा रहे हैं, उनका नाम पूजा हेगड़े है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा हेगड़े के बारे में बात करेंगे। पूजा हेगड़े ने कई तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया है। सोशल मीडिया पर भी पूजा हेगड़े की बड़ी फैन फॉलोइंग है। पूजा हेगड़े की खूबसूरती के लाखों चाहने वाले हैं। वह मिस यूनिवर्स इंडिया की सेकंड रनर अप रह चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। दोस्तों, आज हम यह तो जान चुके हैं कि पूजा हेगड़े कौन हैं। इस वीडियो में हम पूजा हेगड़े के परिवार और उनके करियर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर 1990 को कर्नाटक के मंगलौर में हुआ था। पूजा हेगड़े के पिता का नाम मंजुनाथ हेगड़े है। मंजुनाथ हेगड़े पेशे से वकील हैं। पूजा हेगड़े की माता का नाम लता हेगड़े है। पूजा हेगड़े का एक भाई भी है जिसका नाम ऋषभ हेगड़े है। ऋषभ हेगड़े पेशे से डॉक्टर हैं। पूजा का परिवार कर्नाटक में उडुपी से ताल्लुकात रखता है। पूजा हेगड़े ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदुनानी कॉलेज में दाखिला लिया। पूजा हेगड़े ने यहाँ से एमकॉम की शिक्षा हासिल की। पूजा हेगड़े को बचपन से ही फैशन और मॉडलिंग का शौक था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में पूजा हेगड़े ने कई मॉडलिंग और फैशन से जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। पूजा हेगड़े ने साल 2009 में मिस फेमिना इंडिया में हिस्सा लिया, लेकिन आधे रास्ते में ही उनका सफ़र ख़त्म हो गया। इसके बाद पूजा हेगड़े ने साल 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में पूजा हेगड़े अंत तक पहुँची और प्रतियोगिता की सेकेंड रनर अप रही। मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के बाद तमिल फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर मिस किंग ने पूजा हेगड़े को अपनी फिल्म मूगा मूड़ी में काम करने का ऑफर दिया। पूजा हेगड़े ने उनके ऑफर को स्वीकार किया। इस तरह फिल्म मूगा मूड़ी पूजा हेगड़े के करियर की पहली बनी। इसके बाद पूजा हेगड़े ने ओका लैला कोसम और मुकुंदना नाम की दो तेलुगु फिल्मों में काम किया। साल दो पूजा हेगड़े ने बॉलीवुड फिल्म मोहनजोदड़ो में काम किया। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने अभिनेता की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन फिल्म में पूजा हेगड़े के किरदार को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म के बाद पूजा हेगड़े ने बॉलीवुड फिल्म हाउसफुल 4, सर्कस और राधे श्याम में काम किया। इसके अलावा पूजा हेगड़े ने तेलुगु फिल्मों में काम किया। पूजा हेगड़े ने अभी तक शादी नहीं की है। वहीं जहां तक सवाल है पूजा हेगड़े के बॉयफ्रेंड का, उन्होंने इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट में बात करें तो पूजा हेगड़े का नाम किसी रोहन मेहरा के साथ जोड़ा गया था, लेकिन पूजा हेगड़े ने इस खबर को गलत बताया है। इसके अलावा पूजा हेगड़े के नाम बाहुबली स्टार प्रभास के साथ भी जोड़ा जा चुका है, हालाँकि इसकी भी कभी भी पुष्टि नहीं है। इसके अलावा फिल्म राधे श्याम के सेट पर प्रभास और पूजा हेगड़े के बीच झगड़ा होने की खबरें भी सामने आई थी, जिन्हें मेकर्स ने पूरी तरह से नकार दिया था। एक वेबसाइट के अनुसार पूजा हेगड़े की संपत्ति लगभग $7 मिलियन यानी 51 करोड़ रुपए के आसपास है। पूजा हेगड़े मूवी के लिए 3 से 4 करोड़ रुपया चार्ज करती हैं। पूजा हेगड़े का परिवार शुरू में उनका नाम लक्ष्मी रखना चाहता था, क्योंकि उनका जन्म दिवाली के लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था। हालांकि उनकी नानी इस नाम को पुराने ज़माने का मानती थी, इसलिए उन्होंने इसे बदलकर पूजा कर दिया। बचपन से ही पूजा हेगड़े फैशन डिज़ाइनर या फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें एक अभिनेत्री बनने का मौका दिया और आज वह एक सफल अभिनेत्री हैं। उन्होंने अगले साल फिर से आवेदन किया और मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 प्रतियोगिता में सेकेंड रनर अप बनी। उन्हें सहायक प्रतियोगिता मिस इंडिया साउथ ग्लैमरस हेयर 2010 का ताज भी पहनाया गया। पूजा ने 2012 की तमिल फिल्म मूगा मूड़ी से अभिनय की शुरुआत की थी। पूजा हेगड़े सलमान खान के साथ फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने साल के लिए कुछ तेलुगु फिल्मों में भी साइन किया है। अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि वह महेश बाबू और त्रिविक्रम श्रीनिवास की अगली फिल्म में दिखाई देंगी। इसमें पूजा महेश के साथ दूसरी बार और त्रिविक्रम के साथ तीसरी बार दिखेंगी। You can hear me.
मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।